हम शांति आज हम बड़ी दीदी अर्थात मनमोहिनी दीदी जी की विशेषताओं को अपने जीवन में भरने के लिए उनकी विशेषताओं को बड़ी एकाग्रता के साथ सुनते हैं। पहली विशेषता, किसी भी कार्य को दीदी पहले खुद करती थी फिर दूसरों से कराती थी। उनकी विशेषता थी, जो कहना है वो करना है। अपने कर्म से सिखाती थी, योग का चार्ट, यज्ञ की सेवा सब एक्यूरेट रखती थी। सफाई में बहुत अच्छी थी। उनके संग में रहकर ये सब बातें हम बहुत अच्छे से सीखे। दूसरी विशेषता, दीदी नंबर वन स्टूडेंट थी। उसने बाबा को कंप्लीट फॉलो किया। टाइम पर आना, लगन से पढ़ाई पढ़ना, पॉइंट नोट करना और बाबा जो कहे वो करना। अंतिम समय तक भी चश्मा, पेन और डायरी लेकर क्लास में आती रही। मुरली से अच्छे अच्छे प्रश्न निकालती थी, जैसे ज्ञान का बैडमिंटन खिलाती थी दीदी। एक से पूछती थी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आपस में ज्ञान चर्चा करती थी। रात को एक बहन को कमरे में बुलाकर कहती थी, आज जो प्रश्न निकाले वो मुझे सुनाओ। फिर जो पार्टी मिलने आती, प्रश्न पूछकर उनको बहलाती थी। श्रीमत पर चलने की बहुत बड़ी शक्ति थी दीदी के अंदर। सारा जीवन हमने देखा दीदी कदम कदम श्रीमत पर चली। फिर तीसरी पॉइंट है, निश्चय का फाउंडेशन दीदी का बहुत गहरा था। समर्पित थी तो संपूर्ण समर्पित थी। समर्पण के बाद कभी भी लौकिक घर की दौलत की आकर्षण नहीं हुई, क्योंकि भले ही संपन्न परिवार से थी, धन बहुत था, परंतु एक बार छोड़ा अर्थात कि उस समय तो काफी सारी दादियां ऐसी थी कि जिन्हें लौकिक घर से कोई सहयोग नहीं था, तो भी दादियों ने कोई अपेक्षा नहीं रखी। दीदी को जो भी मिलती थी उसको कहती थी, तुम तो मेरी सखी हो, छोटी हो या बड़ी हो, सखी कहकर उसका दिल जीत लेती थी। फिर सिक्स्थ पॉइंट है, हर एक से गुण उठाती थी। समझो किसी ने भाषण अच्छा किया तो झट दीदी का ध्यान जाता था कि देखो इसने भाषण कितना अच्छा किया। समझो किसी ने अच्छा काम किया तो कहती थी कितना अच्छा काम किया, अप्रिशिएट करती थी, फिर उसका उत्साह भी बढ़ाती थी, आफरीन भी देती थी। दीदी को देखकर हम सीखते थे कि छोटी सी बच्ची का अच्छा काम देखकर दीदी ने कैसे उसे लिफ्ट दे दी। दीदी गुण चोर थी। सातवीं पॉइंट है, सौगात देने की भी दीदी में वंडरफुल कला थी। बाबा के घर में बच्चे तो आते ही रहते हैं, उन्हें मीठे वचन बोलकर प्यार से सौगात देती थी। डायरी पेन देती थी तो डायरी का पन्ना खोलकर पढ़ाती थी कि देखो कितना अच्छा स्लोगन है। फिर पूछती थी कि स्लोगन से क्या प्रेरणा मिली। ज्ञान देकर ज्ञानयुक्त सौगात देती थी। आठवीं पॉइंट है, अगर कभी किसी कारण से छोटी मोटी भूल हो भी जाए तो छोटे के सामने भी अपनी भूल मानने में हिचकिचाती नहीं थी। जैसे दीदी कहती थी, मैंने यह बात इस भाव से कही, अगर आपको फील हुई हो तो भूल जाना। नवी पॉइंट है, दीदी सच्ची मस्तानी गोपिका थी। बाबा से इतना अटूट स्नेह था जो नजरों में एक ही बाबा बसता था। दीदी के दिल में एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समाया। बाबा के प्यार में कभी डांस करती तो कभी सेमी ट्रांस में जाकर लवलीन मगन हो जाती। टेंथ पॉइंट है, दीदी सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता, पिताव्रता थी। सदा तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से रास रचाऊं,
ऐसी एक व्रता होकर सदा एक के ही गुण गाते आज्ञाकारी वफादार ऑनेस्ट बनकर रही, कभी किसी वस्तु व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुई। 11वीं पॉइंट है, दीदी ने कभी बड़ी स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दिए, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की भासना दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ाया, हरेक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि न जाए। 12th पॉइंट है, दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ स्पष्ट थी, जो सामने कैसे भी आत्मा आए उसे फौरन परख लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उसे बाबा का बना देती। दीदी के बात करने का ढंग ऐसा था जो बड़े बड़े वीआईपी भी दीदी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन जाते। 13th पॉइंट है, दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू था, जो भी दृष्टि लेते उन्हें वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था जो नजर से निहाल कर हर आत्मा को तृप्त कर देती। 14वीं पॉइंट है, दीदी इतनी अंतर्मुखी रहती जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकले, कभी किसी का परचिंतन परदर्शन नहीं किया। उनके जीवन में गंभीरता के साथ रमणीकता का बैलेंस था। वे सभी से अलौकिक चिटचैट करके खूब रिफ्रेश कर देती। उनके साथ बहुत रमणीकता से देखभाल करती। 15th पॉइंट है, दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेती थी। अगर कोई किसी की कंप्लेन करता तो उसी समय उनके सामने उसे भी बुलाकर फैसला करती और जिसे जो शिक्षा देनी होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे देती। 16वीं पॉइंट है, दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती थी। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, निश्चय अटल था, इसलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थितियां आई उनमें सदा निश्चिंत रही, कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं किया, सदा प्रसन्नचित रही। कभी उनके चेहरे पर चिंता के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। दीदी अंदर बाहर स्वच्छ साफ थी। 17वीं पॉइंट है, सच्चाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलतियां सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो उसे क्षमा कर देती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। कथनी और करनी सदा समान रही, जो दूसरों को कहती वह पहले खुद करके दिखाती। 18th पॉइंट है, दीदी यज्ञ के मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा, क्योंकि कारोबार दीदी के हाथ में था ना। जो यथार्थ बात होती वह मालिक बन सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबकी एकमत नहीं होती तो बालक बन उसे भूल जाती। कभी बहस या डिबेट में समय नहीं गवाती थी। दीदी बालक बन बाबा की उंगली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट का चक्कर लगाती। बाबा उन्हें कहते, अभी आपने बाबा की उंगली पकड़ी है, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी उंगली पकड़कर चलेगा। ऐसा नशा है ना। 19th पॉइंट है, दीदी की रग-रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। यज्ञ को किसी भी प्रकार की आंच न आए उसके लिए बहुत ध्यान रखती थी और हर एक को यज्ञ की अमानत संभालने की निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती थी। 20th पॉइंट, दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। दीदी ने यह परख कर कि यज्ञ को कौन संभाल सकते हैं उन्हें समर्पित कराया और उनके दिल में यज्ञ की प्रति भावना भरी। नेक्स्ट पॉइंट, दीदी अलौकिक माँ के रूप में सबको स्नेह भी देती।
हर प्रकार से यज्ञ वत्सों को खाने पीने पहनने रहने की सुविधा देती, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती, लेकिन कभी कोई ईश्वरीय नियम एवं मर्यादाओं में अलबेला होता, आलस्य करता या किसी मर्यादा को तोड़ता तो उसे फौरन सजा देती या डायरेक्ट बुलाकर इशारा देती। 22nd पॉइंट है, दीदी स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन बांध कर रखती और सभी का उन पर ध्यान खिंचवाती। ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं को विशेष संगदोष अन्नदोष न लग जाए, इसलिए दीदी पहली शिक्षा यह देती कि संग से अपनी संभाल करना। जैसे कल भी मुरली में बाबा ने कहा कि केवल पवित्र हाथ का, हाँ कन्या या विधवा है तो पवित्र तो है, पर उसके हाथ का ही भोजन नहीं, योगिन भी हो, योग में बना हुआ भोजन खाओ। तो दीदी ये सब बातों पे विशेष अटेंशन सभी का दिलवाती। पवित्रता के व्रत को कभी खंडित होने नहीं देना, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्माचारी बनकर रहना। नेक्स्ट पॉइंट है, दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑलराउंड सेवा पर रहता। वे मुरली क्लास के पश्चात स्वयं भंडारे में चक्कर लगाती और कुछ समय सब के साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा ने भरी थी। वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती थी या लिखवाती थी। कभी दीदी ने कोई भी सेवा पेंडिंग नहीं रखी, हाँ बाद में कर लेंगे ऐसा नहीं सोचा, जो सेवा जब जरूरी है उसे उसी समय अलर्ट बनकर किया और कराया। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा हमारा साथी है। दीदी सदा इसी स्वमान में रहती और सबको दिल से सम्मान देती। अगर कोई अपनी सेवा समय प्रमाण सच्चाई से करता तो उसे इतना ही सम्मान देती, खातिरी करती, विशेष सौगात देती। दीदी के दिल में यज्ञ के सच्चे सेवाधारियों प्रति अति रिस्पेक्ट था। 25th पॉइंट, दीदी स्वयं योग के गहरे अनुभवों में सदा रहती और अमृत वेले विशेष खुद सबको संगठित रूप में योग की ड्रिल कराती। साथ साथ कर्म करते कैसे योग में रहना है उस पर भी ध्यान खिंचवाती। अव्यक्त रूप से यज्ञ का कारोबार निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए दीदी बीच बीच में विशेष मौन व अव्यक्त भाषा द्वारा साइलेंस की शक्ति बढ़ाने की प्रेरणा देती। नेक्स्ट पॉइंट है, दीदी कभी तेरे मेरे की हदों में नहीं आई। यह जोन अथवा यह एरिया इसकी है या उसकी है, इस प्रकार की भाषा दीदी के मुख से कभी नहीं सुनी। वे सदा बेहद में रही, बेहद की सोच व समझ से सब की पालना की, मैं और मेरेपन की भाषा से मुक्त रही। 27th पॉइंट है, यज्ञ की अनेक जवाबदारियों को संभालते हुए करावनहार बाबा है, वही करता कराता है, इसी निश्चय से स्वयं को निमित्त बनाए दीदी सदा निर्माण होकर रही। दीदी के बोल में कभी अभिमान का अंश नहीं दिखाई दिया। 28th पॉइंट है, दीदी आने वाले मेहमानों की भरपूर खातिरी करती। कभी कभी ऐसे सुहेज रचाती जिसमें 36 प्रकार व 56 प्रकार के भोजन का ब्रह्मा भोजन कराती। एक बार तो दीदी ने 108 प्रकार का भोग बनवाया और सभी के साथ मिलकर खाया और खिलाया, लेकिन साथ साथ अनासक्त वृत्ति पर भी ध्यान खिंचवाया। दीदी यज्ञ की इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखती। दीदी कहती, गरीब गरीब बच्चे भोली भोली माताएं अपनी मेहनत की कमाई यज्ञ में भेजती है, इसलिए कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करना है। अपने प्रति कम से कम खर्च हो इस बात पर ध्यान रखना है। साधन सुविधाएं सब सेवा के लिए है, अपने प्रति नहीं। 29th पॉइंट है, कभी कोई यज्ञ की व बड़ों की इंसल्ट करता, कोई उल्टा सुल्टा बोलता तो दीदी कहती, बाबा ने सब पर उपकार किया है,
इसका दोष नहीं है, इसलिए कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं रखना। दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदल लो, इसमें ही भलाई है। कल भी यही वरदान दिया ना बाबा ने, बदला नहीं लेना है, बदल के दिखाना है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। आज की दीदी जी की विशेषताओं की लास्ट पॉइंट, 20वीं पॉइंट, दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले से ही हर कारोबार से प्राम होती गई। कभी कोई बात दीदी को सुनाते तो दीदी कहते, छोड़ो इन बातों को, अब तो घर चलना है। दीदी के इस वाक्य के आधार पर ही एक गीत बना, अब घर चलना है। ये गीत जो है ना, वो दीदी के वाक्य पर बना। इसी एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा बनती गई। कार्य व्यवहार से भी उपराम होते 28 जुलाई 1983 इस भौतिक देह से अलग हो अव्यक्त वतनवासी बन बेहद सेवा में चली गई। ओम शांति। 28 जुलाई को दीदी ने अपना स्थूल जो साकारी पाठ है उसे समाप्त कर अव्यक्त पाठ की बात की, फिर आगे की जर्नी की, इन्हों कहो कि एडवांस पार्टी की सेवाओं का आरंभ किया। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए विशेष शक्तिशाली योग करेंगे बाबा के घर के लिए। तो बाबा ने विशेष इस मास में ही मुरली में कहा, बाबा के साथ हर दिन हमारा मुबारक ही है, लौकिक जन्मदिन आदि मनाने की अभी हमारी कोई बात नहीं होती, फिर भी सभी ने जो इतना स्नेह दिया, मैसेजेस, व्हाट्सएप, कॉल्स, कई सारे रिप्लाई नहीं कर पाए, परंतु आप सभी को बाप दादा के घर से सबकी तरफ से बहुत सारी दुआएं हैं और दिल से आभार है। धन्यवाद। ओम शांति।
कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 मुरली के लिए, और रात्रि क्लास रोज की तरह 9:15 बजे। शांति।